पर बात करेंगे श्रीलंका ए वर्सेस साउथ अफ्रीका ए के बीच जो सेकंड टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा। देखो एक चीज़ दोस्तों, ये इमर्जिंग T20 वुमेन्स का और जो अंडर 19 ये सब का जो है ना, बारिश की वजह से डेडलाइन बढ़ रहा है 2 दिन से, तो कवर करना तो सही था नहीं, तो मुझे लगा कि श्रीलंका ए और साउथ अफ्रीका ए टेस्ट कवर करना चाहिए। इनके अलावा ACS रोमानिया T10 कवर करने का बहुत ज़्यादा कोशिश रहेगा हमारा। तो दोस्तों अगर यदि आप इन सभी मुकाबले को खेलना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ, इनके अलावा GL का टीम मिलेगा, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, यानी पैसा कमाने का, प्रॉफिट करने का सारा कुछ लाइनअप के बाद टेलीग्राम पर ही संभव है। तो आपको ज्वाइन करना किस प्रकार है? जी हाँ मेरे भाई, हमारा टेलीग्राम चैनल आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं जो हूबहू आपको डोमेस्टिक प्लेइंग 11 नज़र आएंगे, इनसे आपको जुड़ना है और फेक चैनल से आपको बिल्कुल सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल फ्री टीम प्रोवाइड किया जाता है। मेरे भाई पहला चीज़ ये हम लोगों को देखना है कि एक जो टेस्ट मुकाबला ऑलरेडी खेला गया वो किस प्रकार से था। एक चीज़ समझना है, श्रीलंका में मैच होता है तो स्पिनर को कहीं ना कहीं ज़्यादा मदद है फास्ट के तुलना पे। श्रीलंका ए ने पहले बल्लेबाजी करते 325 रन बनाए, लसित कुरुसपुल्ले की बात का 98, जिनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड भी बढ़िया, इनके अलावा लसित उदारा भी एक बढ़िया प्लेयर है, तो दोनों ने जबरदस्त इनिंग खेला। एन फर्नांडो का भी रिकॉर्ड अच्छा है, कमिंडो मेंडिज का भी रिकॉर्ड अच्छा है, निपुण धनंजय बहुत ज़्यादा अनुभवी है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर करना है, टॉप पाँच में से किन्हीं दो के साथ ही जाना चाहिए, तो वो पिच रिपोर्ट आने के बाद हम लोग उसी प्रकार से पता करेंगे, लेकिन ऐसे मैच का पिच रिपोर्ट एक्यूरेट नहीं आ पाता है। इनके अलावा जनित लियांजे पार्ट टाइम गेंदबाजी करता, इनके अलावा लक्षिता की बात की जाए ये भी पार्ट टाइम गेंदबाजी, रमेश मेंडिज एक बढ़िया गेंदबाज है हालांकि ऑलराउंडर की भूमिका में रहते हैं, इनका योगदान भी अच्छा खासा देते हैं। एम्बुडेलनिया जबरदस्त स्पिनर, श्रीलंका का नेशनल टीम में भी इन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया, मिलन रत्नयांके ये भी स्पिन गेंदबाजी अच्छा खासा कर लेता। इनके अलावा कवीना की बात कर 2 विकेटें ले गए, सिनुरा मुथुसमय की बात की जबरदस्त स्पिन गेंदबाजी करता 7 विकेटें, टी स्टूबस जो कि पार्ट टाइम गेंदबाजी के रूप में आएंगे क्योंकि ज़्यादा ये गेंदबाजी करता नहीं है। इनके अलावा दोस्तों ब्रिट्स के को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे के सारे फ्लोप रहे, किसने कितना विकेट लिए तो स्पिनर का बोलबाला फिर से रहा, एम्बुडेलनिया लक्षिता ने दोनों ने मिलकर 7 विकेट स्पिनर को, 3 विकेट मधुशंका को जो कि ODI में ये बेहतर भी कर रहे थे, तो डी मधुशंका इंपॉर्टेंट तो रहेंगे। श्रीलंका की तरफ से कमिंडो मेंडिस रमेश मेंडिस दोनों ने मिलकर अच्छी इनिंग जरूर खेली, बाकी 151 पे सिमट गई, 5 विकेट फिर से इनके स्पिनर ने ले गए, इनके अलावा कवेना ने भी 1 विकेट ले गए। फास्ट गेंदबाजी की बात करें जी कोडजी और विलियम्स 2-2 विकेटें ले गए, तो जी विलियम्स और कोडजी दोनों का रिकॉर्ड अच्छा है, विलियम्स नेशनल टीम में भी ये खेल चुके हैं और कोडजी की बात की जाए तो 72 बल्लेबाजी से भी आपको योगदान दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका बल्लेबाजी रहा, सेकेंड इनिंग देख सकते हो 29-29 बस छोटा छोटा स्कोर रहा, चौथी पारी में खेलना उतना आसान रहता नहीं। लक्षिता 2 विकेटें ले गए, मिलन 2 विकेटें ले गए, इनके अलावा एम्बुडेलनिया रमेश मेंडिस को भी 2-2 विकेट मिला, कहीं ना कहीं स्पिन को बहुत ज़्यादा मदद है फास्ट की तुलना पे। मेरे भाई ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है कॉम्बिनेशन उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम 11 से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इनका लाभ भी आपको सबसे पहले होगा। इनके अलावा कुछ जानकारी लेना हो इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करो, मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई भी देता हूँ, वो भी बेहतर तरीका से। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बात कीजिए श्रीलंका ए का बेस्ट से बेस्ट प्लेयर कौन सा होना चाहिए, तो यहाँ पर रमेश मेंडिस का नाम आता है, कमिंडो मेंडिस का नाम आता है, लक्षिता का नाम आता है, इनके अलावा एम्बुडेलनिया, डी मधुशंका जो कि देखो गेंदबाजी पर ज़्यादा नहीं, देखो एम्रतनयांके भी बुरा ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग देखेंगे, लेकिन इस मैच में कुछ बदलाव भी आपको होना संभव है। अब यहाँ पर साउथ अफ्रीका की तरफ से देखा जाए बेस्ट, पहले एस सिनुरा मुथुसमय का नाम आएगा जो कैप्टन BC का प्रबल दावेदार भी रहेगा। इनके अलावा इनका फास्ट गेंदबाज एक जो मैं पिक करने वाला हूँ वो टॉस के बाद देखेंगे जी कोडी या फिर एल विलियम्स में से किसी एक को मैं पिक कर लूँ, बाकी बल्लेबाजी में मुझे ज़्यादा किसी पर भरोसा है नहीं, खासकर साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज पे। के पीटरसन अपने पिच पे बहुत ज़्यादा रन बनाते हैं, डिप डेविस का भी रिकॉर्ड बढ़िया है, ब्रिटिचके का भी, लेकिन स्पिन अटैक के सामने उतना बेहतर नहीं है, तो मैं चलता हूँ फिलहाल अभी श्रीलंका के ही तरफ। तो इनके तरफ से मैं विकेट कीपिंग में एल उडारा को पिक करूँगा, इनके अलावा लसित कुरुसपुल्ले को, और बाकी मैं यहाँ से साउथ अफ्रीका के प्लेयर पर यहाँ पर देखा जाए, देखो के पीटरसन थोड़ा बहुत ये ठीक ठाक प्लेयर मुझे नज़र आते हैं, यहाँ से मैं जी कोडजी को जो कि बल्ले से भी कोई योगदान दे देंगे, बाकी बल्लेबाजी पे देखा जाए पहले बल्लेबाजी करेगा तो इनका बल्लेबाज लेने का प्रयास करेंगे,
और पहले अगर यदि गेंदबाजी करेगा तो एकमात्र गेंदबाज यहाँ पर एल विलियम्स जो दिखाई दे रहा है इनको मैं पिक करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें बदलाव होगा, हमारे टीम पर भी बदलाव होगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, ये टीम बनाकर रख लेना है। कैप्टन भिसी के लिए आपको हमें लगता है सेफ ही जाना चाहिए, वैसे सारे के सारे स्पिनर जो है कैप्टन भास का बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो मेरे भाई इन सब के ऊपर आप जा सकते हो। तो फिलहाल के लिए आप ये टीम सेव करके रख लो, इसमें जो भी चेंज होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल डोमेस्टिक प्लेइंग 11 पे। तो आशा करते लक्ष्मी माँ विसरी माँ ओल भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट बेहतर जाए, सारे लोगों पर सरस्वती माँ की कृपा बनी रहे, इसी उम्मीद के साथ वीडियो को भी समाप्त करता हूँ।